आज का व्यू बहुत ही कमाल का है, कमाल का। वो जंगल में क्रिश मूवी की शूटिंग हुई है। मैंने भी सोचा, मैंने बंद कर दी बाद में, तो दिख गया था। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सोलन वैली। पता नहीं वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं। हेलो, हाँ सौरभ, आज कितने बजे निकलना? 11 बजे, ठीक है, मिलता हूँ मैं। तो जस्ट अभी हमने पेट्रोल भर लिया है और हम आगे के लिए रेडी है जाने के लिए। क्यों, है ना रेडी? यस ब्रो, वी आर रेडी। आज के इस सफ़र में मेरे साथ है सौरभ, नितेश और श्यामू भाई। सौरभ और नितेश मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं और हम तीनों ने साथ में प्लस टू कंप्लीट की, और श्यामू भाई नितेश के नॉन हैं। तो आज मैं और मेरे कुछ दोस्त अंजनी महादेव जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों अंजनी महादेव में बर्फ की शिवलिंग बनती है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। का व्यू बहुत ही कमाल का लाजवाब। तो ज्यादा ही लड़की है, हाथ सुन हो रहा है, मोबाइल पकड़े नहीं जा रहे हमसे। वो जंगल में क्रिश मूवी की शूटिंग हुई है। मैंने भी सोचा, मैंने बंद कर दी बाद में, तो दिख गया था। और यहाँ हमारी स्कूटी फिसली और हम पड़ गए लंबे, बट वी वर ओके। फिर से मत गिरा दियो मेरे को। तो अभी हमें वहाँ जाना है, वहाँ कहीं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत ही ज़्यादा। थोड़ी देर के लिए रुके थे, थोड़े बहुत फोटो शूट किए, अब बाकी की ओर बढ़ते हैं। जो पीछे देख रहे हैं और आगे भी दिखा दूंगा मैं आपको, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, इसलिए सुबह हो सके तो बहुत जल्दी निकले, सो दैट कि इस ट्रैफिक से आप बच सकें। ठीक है, हिला रहा है, बहुत मजा आता है। एक आर्मी वाले ने ट्रैफिक क्लियर कर दिया और हम फाइनली आगे बढ़ रहे हैं। और फाइनली हम भी सोलंग वैली पहुंच गए और अपनी स्कूटी पार करके ग्राउंड की ओर पैदल निकल पड़े। बॉयज एंड गर्ल्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सोलंग वैली। सोलंग वैली को सोलंग नाला भी कहते हैं, जो कि अपने विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, जैसे कि स्कीइंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और माउंट ट्रेनिंग। और लॉकडाउन के बाद पहली बार सोलंग वैली आज इतने टूरिस्ट से भरा था। लॉकडाउन में जब हम आए थे तो बिल्कुल यहाँ खाली था, और अब इतना क्राउड है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अब सीधा अंजनी महादेव की ओर चलते हैं। बहुत ही दूर जाना है, बर्फ में चलना मुश्किल हो जाएगा, तो चलो। ये वो रास्ता है जो किसी ने नहीं लिया है, और हम फ्रेश स्नो में चल रहे हैं। अराउंड 3:30 हो गए हैं। मनाली से जो सोलंग वैली का डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर है, और सोलंग वैली से अंजनी महादेव का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। लग जाएगा हमें, हाँ, आधा या एक घंटा लग जाएगा यहाँ से पहुँचने में, तो चले हैं बस।
एटीवी राइड का मजा भी ले सकते हैं। नीचे सोलंग वैली से अगर आपको चलने मुश्किल हो रही है तो इसे रेंट पर लेकर आप अंजनी महादेव तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो गए, धूप चली गई है, और हाँ इतना सुंदर व्यू है कि आप यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए रील्स के लिए शूट कर सकते हैं। बस अभी भी हम चले जा रहे हैं, हमें सुबह जल्दी ही निकलना चाहिए था बट लेट हो गए, क्या कर सकते हैं, पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो वहाँ से होती है जिप लाइन और वहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन जैसे कैसे हम चारों अंजनी महादेव पहुंच ही गए। अगर इस जगह की बात की जाए तो कहा जाता है कि त्रेता युग में माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यहां तप किया और तब यहां भगवान शिव प्रकट हुए। तब से लेकर इस जगह पर नेचुरल तरीके से शिवलिंग बनती है और फिर हम चारों भी शिवलिंग की ओर रेंगते रेंगते निकल पड़े। नीतीश आराम से लगाएगा पीछे देख। अब हमें हाथों का सहारा लेते हुए जाना पड़ेगा। बिल्कुल हाथ ठंडे हो गए, जम गए, हाथों के हालात बुरे हो गए, हाथ ही काले काले हो गए। महादेव का भक्त बिल्कुल कितने खोल के चल पड़ा है। तो फाइनली बिल्कुल शिवलिंग के पास पहुंच गए हैं। यहाँ काफी बड़ी शिवलिंग बनती है, अभी छोटी सी बनी है, आई होप बन जाएगी। ऊपर से बिल्कुल झरना गिर रहा है बिल्कुल ऊपर। तो फाइनली हो ही गए दर्शन अंजनी माता के। अब यहाँ से हम सिर्फ फिसल के ही जा सकते हैं और यहाँ से मौक करके नहीं जा सकते, इसलिए फिसल के जाएंगे। तो हम गिरते पड़ते भागते हुए अंजनी महादेव के दर्शन करके घर की ओर वापस निकल पड़े क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था तो हमें जल्दी से जल्दी अपने स्कूटी के पास पहुंचना था। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है और आज हम लेट भी हो गए थे सुबह, तो अब फटाफट निकलते स्कूटी की ओर। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, वीडियो का अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को क्या करना आपने सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।